हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चार कली शलवार कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो हमने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लेना है चार कली वाली शलवार के लिए, और हेवी साइज़ की शलवार बनेगी 2 मीटर कपड़े में। तो यहाँ पर देखिए, हमने कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है किनारी से किनारी मिलाकर। ये हमने डबल किया है कपड़ा, तो देखिए किनारी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये हमने किनारी फोल्ड की है, यहाँ पर देखिए 6 इंच की टोटल कपड़ा हमें चाहिए 6.5 इंच। जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है पट का, यहाँ पर हमने देखिए 6 इंच पर हमने यहाँ निशान लगाया, और 1/2 इंच हमारे ये पट हमारे सिलाई में जाएंगे। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। उसके बाद एक निशान लगाएंगे हम मार्जिन का ऊपर की तरफ। तो हमारी जो शलवार की लेंथ होगी वो होगी 37 इंच। तो यहाँ पर हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, यानी इसमें हम 7 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो 7 इंची टेप ऊपर की तरफ निकाल देंगे, और आप अपनी टोटल लंबाई, यानी कि हम इसमें 37 इंच की लंबाई रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे 37 इंच पर। उसके बाद हमने नीचे 2 इंच यहाँ पर मोहरी के लिए निशान लगाना है, जो हमारी मोहरी अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड होगा। तो हम मोहरी इसी के साथ काट रहे हैं, अलग से हम मोहरी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, अब इसको हम कपड़े को सीधा कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर हमने 6.5 इंच के पार्ट काटे हैं। ये जो बीच का वाला हिस्सा है डबल, ये हमने 6.5 इंच का काटा है। अब हम कली के लिए कपड़ा बिछाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कली हमें किस तरीके से रखनी है। तो ये देखिए, पहले तो हम किनारी साइड से इस तरीके से पकड़ लेंगे, जैसे कि हमने कपड़ा पट के लिए बिछाया था, सेम उसी तरीके से हम सीधा कपड़ा बिछाएंगे। तो ये देखिए, किनारी से किनारी, ये किनारी साइड है, और यहाँ पर हमने किनारी से इसको मिला लिया है। कपड़ा मैंने सिर्फ डबल लिया है, और इस कपड़े को हम डबल इस तरीके से रख देंगे, और उसके बराबर में हमें यहाँ पर पट रखने हैं। जो हमने पट काटे थे, बीच वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम इसके बराबर में इस तरीके से रख लेंगे, और यहाँ पर हम 1/2 इंच इसके ऊपर रखेंगे, जो हमारा सिलाई का मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर हम मोहरी का बताएंगे आपको। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 7 इंच की मोहरी रखनी है, तो 7 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो 7 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है, 1 इंच हमने यहाँ से मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो देखिए, टोटल हमने 8 इंच पर निशान लगाने के बाद, यानी टोटल यहाँ पर हमारी जो कली का निशान आएगा वो आएगा 1.5 इंच। तो हम पट हटा के नापेंगे, तो हमारी कली नीचे से 1.5 इंच की रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। अब हम दूसरी साइड में आएंगे, यहाँ पर हमें आसन का निशान लगाना है। तो 7 इंच की हमने बेल्ट लगानी है, तो 7 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे, और 15 इंच पर हमने यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने 15 इंच का बेल्ट का निशान लगा लिया है, यहाँ से यहाँ तक, या आप डायरेक्टली इस तरीके से भी नाप सकते हो, यानी यहाँ पर मार्जिन सहित 9 इंच पर हमने। तो फ्रेंड्स, ये मार्जिन सहित हमारा 9 इंच पर है। अगर मार्जिन हटाएंगे तो हमारा ये टोटल 8 इंच पर रहेगा। तो 7 इंच की बेल्ट है, और 8 इंच का ये लगाकर 15 इंच पर आसन हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर कली को इस तरीके से रखना है आसन वाले निशान से, और पट का जो हमने कली पर निशान लगाया था पट के बराबर में, और इंची टेप को इस तरीके से मिलाते हुए रख लेंगे, और यहाँ पर हम चौक का निशान लगा देंगे। आसन तक हमें निशान लगाने हैं कली के। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ये निशान को लगा लिया है। नीचे से कली हमारी रहेगी 1.5 इंच। मैंने पट इसके ऊपर ही रख रखा है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। यहाँ से हम काट देंगे। तो ये देखिए, हमारी 2 कली कटकर तैयार हैं। 2 कली हम इस वाले कपड़े से निकालेंगे। तो पहले हम ये 2 कलियों को हटा देते हैं, उसके बाद इस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे घुमाकर, और यहाँ पर हम ये कली रख लेंगे इसी के ऊपर। इसी के बराबर कली हमें कटिंग करनी है, तो इसके ऊपर ही रख लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हम 4 कली वाली शलवार की कटिंग आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए, हमने इस पर ये कलियों को रख लिया है, और इसी के बराबर हम ऊपर से लेंथ में कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इसी के बराबर हमने कलियों की कटिंग कर ली है। तो देखिए, हमारी ये 4 कली कट कर तैयार है। अब हमने साइड वाले कपड़े से बेल्ट की कटिंग करनी है। तो ये हमने देखिए, यहाँ पर कपड़ा ले लिया है, और 7 इंच नीचे की तरफ और 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया। निशान की वीडियो में नहीं बना पाई थी, तो इस तरीके से हम बेल्ट कटिंग कर लेंगे। और ये हमारे साइड से हमने यहाँ पर जो कली जुड़ी हुई है, उन कलियों को हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीका मैंने आपको बताया है 4 कली वाली शलवार कटिंग करने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, तो ये हमने आपको 2 मीटर में शलवार की कटिंग बताई है। तो आपको मैं बताती हूँ कि सिलने के बाद वो किस तरीके से दिख रही है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी शलवार इस तरीके से सिलने के बाद दिख रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।